किसान साथियों नमस्कार, मैं राजूराम राठौड़ वार्ड नंबर 7 तहसील बिल्लाड़ा जिला जोधपुर राजस्थान से। इससे पहले हमने आपको वीडियो के माध्यम से बहुत बढ़िया बढ़िया वेस्ट डिकम्पोजर आधारित घरेलू उत्पादों, प्राकृतिक उत्पादों से सभी उत्पाद फसल के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति के उत्पाद घर पे कैसे बनाएं इसकी आपको जानकारी दी। आज आपको एक प्राकृतिक कंपोस्ट खाद जो कि सबसे बड़ा जानवर हाथी की लीद, इससे पहले हमने आपको ऊंट की गोबर, नील गाय की गोबर, मुर्गी खाद, सभी प्रकार की खाद के बारे में उसको गलाकर उसका अर्क निकाल कर उसके बैक्टीरिया वेस्ट डिकम्पोजर के साथ तैयार करके फसल को देने के बाद बनने की स्थिति, फसल में आए परिणाम भी आपको दिखाए। ये जो आप आज देख रहे हैं हाथी की लीद, ये हम ले आए हैं ढूंढ कर एक मठ से जहां साधुओं ने डेरा डाल रखा था, वहां से हम ये लेके आए हैं लीद 10 किलो। और सामने हम आपको दिखाएंगे 200 लीटर के बैरल में आज हम बनाने जा रहे हैं एलिफेंट मैन्योर। इससे पहले हमने कई बार एलिफेंट मैन्योर का उपयोग किया जिससे हमें बहुत बढ़िया परिणाम मिला। जीरे की फसल में, गेहूं की फसल में, सौंफ की फसल में, आलू में, चुकंदर में, शलजम में, मूंगफली में और सब्जी वर्गीय फसलों में इसका बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिला है। आज हम 200 लीटर के बैरल में फिर से आप सबकी जानकारी के लिए बता दें, आप अधिक से अधिक वेस्ट डिकम्पोजर वो प्राकृतिक उत्पादों का समावेश करें, क्योंकि प्राकृतिक खादों में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक पोषक तत्व होते हैं जो एक फसल के लिए या किसी भी फसल के लिए आवश्यक हो जाते हैं, चाहे वो कंद वाली जमीन के अंदर होने वाली हो या फूलों वाली फसल हो या त्रिमासिक हो या अर्धवार्षिक हो या फिर वार्षिक फसल हो या बहुवार्षिक फसल, सबके अंदर इस मैन्योर का अगर आप उपयोग करते हैं तो बहुत अच्छा परिणाम आता है। जो हमें परिणाम आए वो आपको बताएंगे। इसमें सभी तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। मैं आपको इसको क्लोजअपली दिखाऊंगा कि इसके इस गोबर के ऊपर जो आप सफ़ेद सफ़ेद डॉट्स देख रहे हैं, ये कई तरह के जीवाणुओं की फंगस इसमें कॉलोनी बनाकर अपना घर कर चुकी है, जो कि एक फसल के लिए बहुत ही अच्छा बैक्टीरिया बनाएगी, फसल की जड़ों को देगी। इसके अंदर बहुत ऐसे असंख्य जीवाणु हैं कई तरह के जो किसी एक फसल के लिए अति आवश्यक हो जाते हैं। इसमें फास्फोरस है, कार्बन है, पोटास है, नाइट्रोजन है और भी कई ऐसे पोषक तत्व है जो कि एक फसल के लिए इसका उपयोग बहुत बेहतर हो जाता है। इसका उपयोग हमने अनार की बागवानी में करके देखा, फूल आने की स्थिति में तो फूल बहुत अधिक आए, फल बनने की स्थिति जब हुई तो इसका 5% का घोल हमने अनार की फूल से फल बन रही अनार की फसल पे इसका उपयोग किया तो अनार का फटना बिल्कुल न के बराबर रहा। ये सबसे बेहतर परिणाम रहा। न जाने इसमें ऐसा कौन सा बैक्टीरिया होगा जिसने अनार को फटने से रोक दिया। और जो शीतकालीन फसलें होती है जिसमें पाला पड़ने की भी शिकायत हो जाती है, फसलें जल जाती है, उसमें भी इससे काफ़ी बचा हुआ है। आप सब किसान साथियों से मेरा निवेदन कि आप भी सभी प्रकार की जो भी जानवर आपके आसपास जहां कहीं पे भी आपको इन जानवरों की गोबर मिल जाए तो आप प्रति 200 लीटर के बैरल में 5 किलो, 10 किलो या इससे कम ज़्यादा आप रख के जितनी हो उतनी ले के इसको बनाने के लिए रखें। अब हम इस गोबर को जो आप देख रहे हैं हाथी की बड़ी बड़ी डगली, ये देखिए बहुत बड़ी बड़ी है, ये देखिए इसके ऊपर कई तरह की बहुत बढ़िया अच्छी फंगस जो आई है, आप देखें आराम से देखें इसके अंदर कई तरह की ऐसी बैक्टीरियल फंगस आ गई है जो कि बहुत ही अच्छा फायदा देती है। ये अंदर से तोड़ के हमने देखा है एकदम गीली है, ये आज 15 दिन पुरानी गोबर हो गई है। इसको थोड़ी धूप लग गई थी इसकी वजह से थोड़ा
इसका जो ऊपर का रंग है वो डल आ गया, नहीं तो एकदम बहुत ही बढ़िया। और इसके अंदर, इसको एक बंद बर्तन के अंदर रखा था, तो इसके अंदर एक बहुत ही बढ़िया गोल गोल मशरूम भी पैदा हो गई थी। अब थोड़ी धूप लगने की वजह से इसकी मशरूम निकल गई है। ये जो आप व्हाइट कलर की देख रहे हैं, ये एक मशरूम का प्रकार था। और क्लोजअप देखें आप इसको, इसके अंदर जो आप बैक्टीरिया देख पा रहे हैं सफ़ेद सफ़ेद, और सुबह के समय जब इसको निकाला था, इसमें लाल, पीले, मेहंदी कलर, ब्राउन कलर और कई तरह के ऐसे डॉट्स दिखे, जो कि बहुत ही अच्छे बैक्टीरियाओं ने कॉलोनी बनाकर इसमें अपना काम कर रखा है। आप देखें, एकदम बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे तरीके से प्राकृतिक उत्पादों में इन फसलों के लिए आवश्यक पोषक तत्व बैक्टीरिया पाए जाते हैं। आप भी इस तरह प्राकृतिक नील गाय की गोबर, घोड़े की गोबर, मुर्गी की बीट या अन्य कोई पक्षियों की, आप खरगोश की भी ले सकते हैं, हिरण की भी ले सकते हैं, इन सब में जो कि प्राकृतिक वनस्पतियों को खाकर आहार करते हैं, उसकी जो गोबर है उसका यूरिन जो है बहुत ही बेहतर परिणाम देने वाला होता है। इसका आप किसी भी फसल में अगर ग्रोथ प्रमोटर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो तने की मोटाई बढ़ जाती है, तने के ऊपर शाखाएं ज़्यादा आती है, पत्तियां एकदम हरी कच हो जाती है और पौधा ज़्यादा लंबाई लेता है। इसके अंदर जो विशेष बात देखी गई, मैं आपको फिर से दोहरा देता हूँ कि इसका उपयोग करने से अनार में असंख्य फूल आए, फल असंख्य आए और फलों का फटना न के बराबर रहा। यानी कि ये एक घोड़े की लीद के साथ साथ, बकरी की लीद के साथ साथ, गाय की गोबर के साथ साथ, मुर्गी की बीट के साथ साथ या गधे की लीद के साथ साथ, अगर आपको हाथी की लीद कहीं मिल जाती है तो आप इसका उपयोग कर इसका मैन्योर बनाएं। आज हम इसको डालने जा रहे हैं इस बैरल के अंदर। अब इसकी पोटली बनाएंगे। अब आप देखिए, हमने उस प्लास्टिक के टब में से निकालकर एक बारीक महीन सूती कपड़े की जो पोटली बनाई है, इसके अंदर हमने इस गोबर को कपड़े की पोटली में बांध कर रख लिया है। इसको कपड़े की पोटली में बांध कर रखना आसान हो जाता है, बार बार इस घोल को निकालने में परेशानी न हो, छानने में परेशानी न हो। इसको ड्रिप में भी दिया जा सकता है, स्प्रिंकलर के साथ भी दिया जा सकता है और फ्लड पानी के साथ भी इसको दिया जा सकता है। अगर आप प्रति एकड़ 200 लीटर, 1000 लीटर बने वेस्ट डीकम्पोजर घोल के साथ इस कल्चर को, हाथी की डक के मैन्योर को अगर आप ज़मीन में सिंचाई के साथ दे देते हैं, तो इतना बदलाव आ जाता है, इतना बदलाव आ जाता है जिसको आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जो परिणाम हमारे खेत में आया है, आज हम समय रहते इससे आपको इंगित करा रहे हैं कि आप भी प्राकृतिक उत्पादों का समावेश करें। ये आप देख पा रहे हैं, अब इसको कपड़े की पोटली बांधकर हम इस बैरल के अंदर डाल देंगे। आप देखें, कपड़े की पोटली बांधी जा रही है इस तरह आराम से। कपड़े की पोटली बांधकर इस तरह कपड़े की पोटली बांध दी है। अब आप देखते जाएं, इस बैरल के अंदर हम इसको गलाने के लिए डाल रहे हैं। अब इस बैरल के अंदर हमने वेस्ट डीकम्पोजर को डाल दिया है पहले ही, और अब इसके अंदर कपड़े की पोटली में बांधकर ये घोड़े की लीद को अंदर डाल दिया गया है। अब इसको 21 दिन के लिए लीचिंग करने के लिए रखेंगे। वैसे लीचिंग तो पत्थरों की निकाली जाती है, लेकिन इसके ऊपर एक ऐसी फंगस आई, ऐसे बैक्टीरिया इसमें और घर करे वेस्ट डीकम्पोजर के साथ, और वेस्ट डीकम्पोजर में पाए जाने वाले असंख्य बैक्टीरिया इनसे अपनी मित्रता करके एक ऐसा संगठन, एक ऐसा मोड़ तैयार करे कि वो किसी भी फसल में देने से बहुत अच्छा उम्दा परिणाम दे। किसान साथियों, मैं आपसे सभी ने निवेदन करता हूँ, आपको समय के साथ साथ 21वीं सदी के अंत से पहले पहले वेस्ट डीकम्पोजर को इस्तेमाल कर लेना चाहिए। वेस्ट डीकम्पोजर एक ऐसा तोड़ है, आपकी ज़मीन चाहे क्षारीय, अम्लीय, तेलीय, लवणीय या पानी कितना भी खारा रहा हो,
आपकी जमीन में अगर जैविक जीवाश्म की प्रचुरता नहीं भी है तो आप इसे अधिक से अधिक अपनाएं, यही आपकी उन्नति का एकमात्र सहारा बनेगा। किसानों, रसायन छोड़ो, तुम मुझे खेत दो, मैं तुम्हें रसायन से मुक्ति दूंगा। और अधिक अच्छी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। और मैं धन्यवाद करूंगा चलते चलते माननीय महोदय कृष्ण चंद्रा जी का, जिन्होंने एक ऐसा रत्न हमारे हाथ में थमा दिया कि हम अपना खर्चा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं और फसलें अधिक उत्पादन, अच्छा मुनाफा ले रहे हैं। किसानों, रसायन छोड़ो, तुम मुझे खेत दो, मैं तुम्हें रसायन से मुक्ति दूंगा। धन्यवाद।